हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं दही वाली लौकी की सब्ज़ी की रेसिपी। तो बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है ये रेसिपी और बहुत ही टेस्टी लगती है। इस गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सूदिंग सी सब्ज़ी है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक लौकी लेके छील लिया था। छीलने के बाद इसको आधा कप पानी के साथ कुकर में डाल के 2 सीटी लगा ली है मैंने और ये लगभग गल गया है लौकी हमारा। तो बस लौकी हमारी गली हुई है और इसके अब छौंक लगाना है और क्या ज़बरदस्त सब्ज़ी बनेगी वो आप देखेंगे। तेल डाला है यहाँ पे, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। तेल को अच्छा गर्म होने के लिए दें। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग, डालेंगे 1 चम्मच ही ज़ीरा और ज़ीरा को हम चटकने दे देंगे। ज़ीरा यहाँ चटक गया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्ची, जिसको इस तरह से हमने इमामदस्ते में थोड़ा सा कूट लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। डालने के बाद हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सूखे मसाले। 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच नमक। और मसाले जले नहीं, इसके लिए इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो ये जो लौकी बॉईल करके रखा था हमने, उसी का पानी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ। और इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। ये पूरा प्रोसेस आपको लो हीट पे ही करना है। लो फ्लेम पे करें तो मसाले अच्छे पकेंगे और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी सब्ज़ी। तो देखिए, यहाँ अच्छे से मसाला भून रहा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ हरी मिर्च इस्तेमाल की है। आप चाहें तो, अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मसाला यहाँ भून गया है, इसमें हम ऐड कर देंगे लौकी जो हमने अभी बॉईल करके रखा था उसे। और डालने के बाद थोड़ा सा हम लौकी को भी इस मसाले के साथ भून लेंगे। तो जब तक सब्जी हमारी यहाँ पे भून रही है, तब तक हम दही फेंट कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी दही ली है मैंने। तो रूम टेम्परेचर पर आने के लिए दें दही को, उसके बाद ही सब्जी में ऐड अच्छे से इसको फेंट लेना है। कोई लम्स वगैरह नहीं रहे, आप चाहें तो डाल के मिक्सर में एक बार चला भी सकते हैं इसे। तो यहाँ पे दही हमने फेंट करके तैयार कर ली है और सब्ज़ी भी यहाँ पे देखिए अच्छे से भुन गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो दही हमने फेंट के रखा था उसे हम ऐड कर देंगे इसके अंदर में। तो गैस ऑफ करने के बाद ही दही डालें, वरना कई बार दही के फटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है इसमें। तो बस इसी चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और देखिए क्या बढ़िया ज़बरदस्ती सब्ज़ी बन के तैयार हो रही है। इसे चला लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब है मेरे पास कसूरी मेथी, जिसको हमने हल्का सा भून लिया है और उसको इस तरह से क्रश कर लिया है। इसे हम डाल देंगे इस सब्ज़ी के अंदर में। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। तो देखिए, बिना टमाटर के क्या बढ़िया ज़बरदस्त सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। और इस सब्ज़ी के साथ आपको किसी रायते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस गर्मा गर्म चपाती के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। हमारे घर में ये हफ्ते में एक बार ज़रूर बनती है। तो इसे आप ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे कुछ खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।